क्या फिर हो सकता है कश्मीर में पुलवामा जैसा आतंकी हमला? क्या फिर से निशाना बनाया जाएगा सुरक्षा बलों को? क्या फिर से कामयाब होंगे आतंकियों के नापाक मंसूबे? लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आज आगाज हो चुका है। कुल 91 सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है, लेकिन चुनाव में बाधा बन रहे दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकवादी, एक खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर में अगले 48 से 72 घंटे के बीच आतंकवादी किसी बड़े फिदायिन हमले को अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जान माल का काफी नुकसान होगा। इस खबर की जानकारी मिलते ही सभी सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। घाटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF इकाइयों को सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी को IED ब्लास्ट से दहलाने की साजिश है। हमले को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर अंजाम दिया जा सकता है। इस हमले की 48 से 72 घंटे के भीतर होने की आशंका है। वैसे इस बार भारतीय एजेंसी इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही है। पूरी घाटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बल भी और सतर्क हो गए हैं। कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के अलावा QRT और नेशनल हाईवे नक्कस को भी अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले 5 से 9 अप्रैल के बीच एक हमले की आशंका जताई गई थी। उस समय ये कहा गया था कि जैशे मोहम्मद जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। वैसे भारतीय एजेंसियों का इन धमकियों को गंभीरता से लेना गलत नहीं है। याद दिला दे कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले से पहले सूत्रों से खबर मिल गई थी कि इस प्रकार का बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इनपुट होने के बावजूद आतंकवादी पुलवामा घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए थे। उस हमले के बाद से ही कश्मीर घाटी में सुरक्षा को और मुस्तैद और कड़क कर दिया गया था। अब आतंकवादियों के सभी मंसूबों को तो भारतीय सेना अपने शौर्य से नाकाम कर देगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दहशतगर्द चुनाव के समय इतना बौखला क्यों जाते हैं। दरअसल ये दहशतगर्द इस बात को सहन नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने मत का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसा होने से घाटी सीधे तौर पर मुख्य धारा के साथ जुड़ जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर ने हमेशा बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व को मनाया और कभी भी आतंकवादियों की गीदड़ भक्की से डरे नहीं। और इस बार के चुनाव में भी भारी मतदान करके कश्मीरी आवाम इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।